हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे आपको शाही मिक्स वेज पुलाव बनाने का तरीका। शुरू करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ, हम आसान तरीके से बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाही मिक्स वेज पुलाव बनाने के लिए जो मैंने सामान लिया है वो कुछ इस प्रकार है। 250 ग्राम चावल है जो बासमती पक्का चावल है, इसको मैंने पानी में 20 मिनट भो के रखा था। थोड़ी सी बीन्स, थोड़ी सी गोभी, एक आलू मीडियम साइज का, थोड़ी सी गाजर, एक कटोरी में पनीर है, फ्यूज़र मटर है एक कटोरी में, एक मीडियम साइज की प्याज कटी हुई, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, कुछ किशमिश, कुछ खड़े मसाले हैं हमारे जिसमें जो जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और काली मिर्च। हम इसमें हरी मिर्च का यूज नहीं कर रहे, बच्चों के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो काली मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं या हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं इसमें। ये सारा सामान हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, हल्का सा गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम पनीर डालेंगे इसमें, इसमें काजू, बादाम, किशमिश ये डालेंगे। इनको फ्राई करना है, थोड़ा सा ही फ्राई करना है, थोड़ा सा भूनना है इसको, ज़्यादा नहीं। अच्छे चलाएंगे हम। ये थोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको हम इस तरीके से तेल को छानेंगे अच्छे से और इसको निकाल लेंगे। और जो बचा हुआ तेल है इसी तेल में हम अपने खड़े मसाले डालेंगे जिसमें जीरा, तेज पत्ता, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च है। इसमें एक मीडियम साइज की प्याज कटी हुई वो डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे, अच्छे से मिलाना है। चलाते रहे ऐसे बीच बीच में। इसके अंदर हम आलू डालेंगे, आलू को ही मिलाना अच्छे से, आलू को थोड़ा फ्राई कर लेंगे हम अच्छे से। आलू हमारे फ्राई हुए, इसमें हम गाजर डालेंगे, इसके अंदर हम गोभी डालेंगे, इसको ही मिलाएंगे अच्छे से और इनको ही फ्राई करेंगे। ये मैंने अच्छे से मिला लिए हैं, ये फ्राई होता रहेगा। इसमें हम अपना सामान डालते रहेंगे। इसमें हम बीन्स डालेंगे, इसको ही मिलाएंगे अच्छे से। इसमें हम मटर डालेंगे, ये फ्यूज़र मटर थे एक कटोरी, आप लगभग 100 ग्राम मान लीजिए। इसको मिलाएंगे अच्छे से। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, एक छोटा चम्मच ये डालेंगे, इसको मिलाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनता है ये। इसके अंदर हम अपने चावल डालेंगे, 250 ग्राम चावल थे पक्के बासमती चावल, 20 मिनट मैंने पानी में भो के रखे ये। इसको मिलाएंगे अच्छे से। आप अगर कच्चा चावल यूज कर रहे हैं तो उसको आप भो के रखें। इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच डाला है मैंने नमक मिर्च, आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। अच्छे से मिलाइए इसको। ये अच्छे से मैंने मिला दिया है चावल। इसमें पानी डालेंगे, लगभग 1.5 गिलास पानी डालना है इसमें, छोटा गिलास जो घर में होता है। इसको चलाइए अच्छे से। इसमें हम पनीर, काजू, बादाम जो हमने फ्राई कर रखे हैं पहले से उसको डालेंगे। इसको मिलाएंगे अच्छे से। इसका नमक चेक कर लेते हैं। अब लगभग इसको 20 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे।
20 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं। ये देखिए शाही मिक्स वेज पुलाव हमारा तैयार हो चुका है, मगर हम अपने हर पुलाव को एक दम करते हैं 5 मिनट के लिए। तो इसको हम ढक के रख देंगे और गैस बंद कर देंगे जिससे ये चावल एकदम खिल जाए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखिए ये शाही मिक्स वेज पुलाव एकदम तैयार हो चुका है। ये मुगलों की डिश है, काफ़ी स्वादिष्ट होती है। ये देखिए आप, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान है, चावल एकदम खिले खिले आए हैं और खाने में एकदम स्वादिष्ट है ये। और हमारी दिल्ली में इसको मुगलियानी डिश बोलते हैं, मुगलियानी वेज पुलाव। ये देखिए आप, चावल भी एकदम खिले खिले आते हैं। आप इस तरीके को एक बार आजमाइए और इसको बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। आपके घर में मेहमान वगैरह आए तो आप वहाँ पर भी सर्व कर सकते हैं, आप खाइए, अपनों को खिलाइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। बेल भी दबाइए, इससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।